हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे पेमेंट चालान रिकंसिलेशन। पेमेंट चालान रिकंसिलेशन हम जीएसटी के अंदर करते हैं। इसमें देखिए, अगर आप कोई भी पेमेंट्स की एंट्रीज पास करते हैं जीएसटी से रिलेटेड, कोई भी आप अगर पेमेंट की एंट्री हम इसमें पास करते हैं और उस एंट्री को करते टाइम देखिए, जब हम मैंने कुछ एंट्रीज इसमें की हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास देखिए पेमेंट की एंट्रीज हैं जिसमें मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट्स की हुई हैं। तो देखिए, जब हम पेमेंट की एंट्री पास करते हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स लेते हैं उसमें हम येस करते हैं और ये डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते टाइम जब हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्रीज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि हम एंट्रीज कर रहे होंगे लेकिन हमें बैंक डिटेल्स प्रॉपर नहीं पता होंगी, तो हम क्या पता ये डिटेल्स को इस टाइम पे नहीं भी फिल करते। तो अगर हम यहाँ पे फिल नहीं करते और आपको इसी की जो डिटेल्स हैं वो बाद में फिल करनी है, तो आप उसको कहाँ से फिल करेंगे ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम पेमेंट चालान रिकंसिलेशन करेंगे। जो हमारी पेमेंट्स हो रखी हैं जीएसटी की उसमें हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास और एक पेमेंट की एंट्री है, इसमें भी मैंने नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट की हुई है और यहाँ पे हमने प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में जीएसटी डिटेल्स फिल नहीं की हुई है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री पास की और उसके बाद आपको बैंक की डिटेल्स उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट एंट्री, जब आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं उस टाइम आपको नहीं पता कि डिटेल्स क्या हैं बैंक की, तो आपने नॉर्मल एंट्री करके उसको पास कर दिया। लेकिन बाद में आप चाहते हैं कि मैंने जो पेमेंट्स की एंट्रीज की हैं वो डिटेल्स मेरे को फिल भी करनी है क्योंकि मेरे को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट्स की एंट्रीज अगर आप डे बुक पे ओपन करेंगे तो आपको सारी एंट्रीज मिक्स होकर ही शो होंगी, जिसमें जर्नल भी होगी, परचेज भी होगी, पेमेंट रिसिप्ट, सारी एंट्रीज होंगी डे बुक में। तो हम स्पेशली एक जीएसटी पेमेंट का चालान रिकंसिलेशन स्क्रीन खोल लेंगे और उसमें हम ये सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले में स्टेचुरी रिपोर्ट जीएसटी R1, R2 और 3B तक तो हम नॉर्मली रिपोर्ट्स अपनी प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चालान रिकंसिलेशन। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट चालान रिकंसिलेशन रहते हैं, पेमेंट्स रहती हैं जो भी हमने पेमेंट्स की होती हैं और वो पेमेंट्स जिसमें हमने प्रॉपर डिटेल्स फिल नहीं की होती। अगर आपने बैंक की डिटेल्स एंट्री के टाइम पर पूरी फिल की हुई हैं तो वो एंट्री आपको यहाँ पर रिकंसिलेशन में शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई एंट्री में डिटेल्स पूरी फिल नहीं कर रखी तो वो आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएंगी और आपने जो भी डिटेल्स, जिस भी बैंक की डिटेल्स को आपने फिल करना है, जिस भी पेमेंट डिटेल्स को आपको फिल करना है, वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो एंट्रीज हैं जिसमें मैंने डिटेल्स फिल नहीं की हुई हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे हमारे पास टाइप ऑफ पेमेंट है, ये भी मैंने नहीं किया हुआ एंटर, और बैंक नेम, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, BRN, UTR कोड, इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिटेल्स में फिल नहीं की हुई हैं, तो इस वजह से वो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट रिकंसिलेशन में शो कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल की होती तो यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपको अब डिटेल्स फिल करनी है तो देखिए, हम यहाँ पे डिटेल्स को फिल करने के लिए क्या करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास सेट डिटेल्स का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए मेरे को जो ये 2 जुलाई की एंट्री है, इस एंट्री में मेरे को ऑल्टर करना है। तो इस एंट्री में ऑल्टर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे आप स्पेस प्रेस करोगे वैसे ये लाइन को सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे सेट डिटेल्स का ऑप्शन भी हमारा हाईलाइट हो गया। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1 जुलाई to 31 जुलाई की आप पीरियड की, इस पीरियड की एंट्री कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने NEFT के थ्रू पेमेंट कराई है, बैंक नेम किस बैंक के थ्रू कराई है, SDFC बैंक के थ्रू पेमेंट कराई है, उसके बाद नंबर क्या है, CPIN नंबर है, यहाँ पे आप CPIN नंबर दे देंगे, CIN नंबर दे देंगे, BRN UTR कोड दे सकते हैं, पेमेंट डेट आपकी 2 जुलाई थी। तो देखिए, ये हमने स्टैचुरी पेमेंट्स की सेम डिटेल्स, आपको वहाँ पर पेमेंट की एंट्री ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे पेमेंट रिकंसिलेशन पे आके एंट्री को सेलेक्ट करके सेम डिटेल्स को दोबारा से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे इन सारी रिपोर्ट्स को, सारी डिटेल्स को, तो ये सारी डिटेल्स आपकी इसमें फिल भी हो जाएंगी। ये देखिए, जैसे ही वो सारी फिल हुई उसके बाद यहाँ से वो एंट्री मेरी यहाँ से हट चुकी है क्योंकि वो मैं रिकॉन्सिल कर चुकी हूँ। अब देखिए, एक और एंट्री पड़ी है जिसमें मेरे को डिटेल्स मैंने फिल नहीं की है, तो यहाँ पर भी मैं एज इट इज स्पेस प्रेस करती हूँ, सेट डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने डिटेल्स फिल कर दी HDFC बैंक,
देन यहाँ पे हम डिटेल्स और जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी आप फिल कर देंगे। पेमेंट डेट में हम यहाँ पे 31st of August यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए प्रॉपर डिटेल्स डालने के बाद आपकी यहाँ पे जो रिकंसिलेशन स्क्रीन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब रिकंसिलेशन की जो स्क्रीन है वो मेरी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि मेरी जितनी भी एंट्रीज थी पेमेंट से रिलेटेड, जो जीएसटी पेमेंट की मैंने एंट्रीज की हुई थी उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल्स फिल कर दी हैं। तो प्रॉपर डिटेल्स फिल करने के बाद वो यहाँ पे आपको चलान रिकंसिलेशन में कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी डिटेल्स को नहीं डाला, आपने पेमेंट की एंट्रीज करते टाइम बैंक डिटेल्स नहीं फिल करी, तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा और यहीं पर आप उसको दोबारा से फिल भी कर सकते हैं। करके देखिएगा, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।